गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। 12 CBSE की बच्चों डेट आ चुकी है, दिसंबर में टर्म वन की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अकाउंट सब्जेक्ट की जो एग्जाम है बच्चों वो 13 दिसंबर को है। अब बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर हम ईच एंड एवरी चैप्टर के कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, और दूसरा उसके रिलेटेड MCQ की हम प्रिपरेशन किस तरह करें। बच्चों निशांत इंस्टीट्यूट आपके लिए एक प्लान लेके आया है 9 आवर्स का। 9 आवर्स में आपके टर्म वन के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यूट्यूब पे अपलोड होंगे। अगर ये 9 आवर्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए बच्चों, तो 110% इसके रिलेटेड चैप्टर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है और MCQ आपको समझ में आ जाएंगे। पहला बच्चों आज हम चैप्टर अपलोड करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर में से ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में 2 या 3 मार्क के MCQ आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क के। अब इसके रिलेटेड हमने टोटल ये जो वीडियो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बच्चों पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो जो करीबन 9 मिनट का रहेगा। दूसरा है पार्ट 2 जहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो है वो 16 मिनट का रहेगा। थर्ड पार्ट है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे रिजर्व, उसका जो वीडियो है वो रहेगा 16 मिनट का। और ये 3 कंसेप्ट समझने के बाद इसके रिलेटेड मोस्ट IMP 15 MCQ जो आप पार्ट 4 में देख सकते हो, तो पार्ट 4 में टॉप 15 MCQ जो बोर्ड में पूछने जाने के चांसेस ज्यादा है वो अपलोड करेंगे, तो वो रहेगा 25 मिनट्स का, यानी कि एवरेज 66 मिनट्स। बच्चों ये चैप्टर में आपने अपने 66 मिनट्स यानी कि ऑन एन एवरेज 1 आवर दे दिया, तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड में 2 to 3 MCQ जो पूछे जाने वाले वो आप अच्छी तरह क्या कर सकते हो, कंसेप्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। दूसरा ये चैप्टर नहीं, इसके अलावा एडमिशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, गुडविल, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जितने भी है वो यही पार्ट में डिफरेंट पार्ट में अपलोड होंगे और इसके रिलेटेड MCQ भी अपलोड होंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो 9 आवर्स का ये एक्शन प्लान बनाया गया है वो आप अच्छी तरह देखिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। और दूसरा साथ साथ में ये जो अपलोड हो रहे वीडियो बच्चों आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों आज से स्टार्ट कर दीजिए पहला चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर जो YouTube में 1 या 2 दिन में बच्चों क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिजर्व। रिजर्व को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सेविंग। सेविंग का मतलब समझ गए कि अभी तक हमने बिजनेस में जो भी पैसे कमाए हैं उसका कुछ ना कुछ सेविंग क्या है, कुछ कुछ पर्पस के लिए। अब बच्चों हो रहा है क्या कि टॉपिक हमें ये चैप्टर में क्यों पढ़ना है उसका कुछ लॉजिक है बच्चों, वो लॉजिक समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, उसका ओल्ड रेशियो था 1:1, अब इनकी जो न्यू रेशियो हो रही है 2:1। अब लॉजिकली ये दोनों क्या सोचेंगे कि जिस दिन से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है वो दिन के जितने भी हमारे रिजर्व है, ठीक है, वो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सीधी बात है, ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर आगे जाके बाय मिस्टेक इन्होंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो किसी को रिजर्व ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम ना आए किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिले। इसलिए पहला एक कंसेप्ट आप समझ लो कि रिजर्व है वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर MCQ के रिजर्व है और ऑलवेज ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर। तो पहले ये बेसिक फंड आप क्लियर कर दो, क्लियर। तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरी एग्जाम्पल में ये जितने भी रिजर्व है वो ए और बी में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन से रेशियो में होंगे, 1:1, क्लियर। तो पहला हमने ये फंडा समझ लिया कि रिजर्व ये टॉपिक हमें ये चैप्टर में क्यों पढ़ना है, लॉजिक है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो जिस दिन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उस दिन का जितना भी फर्म के पास सेविंग पड़ा है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बच्चों अब जो रिजर्व होती है वो 2 टाइप की रिजर्व होती है, आपकी बैलेंस शीट में एक रिजर्व है वो लायबिलिटी साइड दिया जाता है और दूसरा जो दिया जाता है वो असेट साइड। तो पहले ही आप फंडा एक क्लियर कर दो, रिजर्व 2 टाइप के होते हैं, एक लायबिलिटी साइड दिया होता है और दूसरा कौन सा दिया होता है, असेट साइड। अब ये दोनों के पर्पस क्या है, ये जितने भी रिजर्व है वो अनयूज्ड है,
क्या है? अनयूज्ड। अनयूज्ड का मतलब ये हुआ कि इसका कोई रिजर्व यूज नहीं हुआ है, हमने फ्यूचर में लाइब्रेरीज के लिए रखा था लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो लॉजिकली ये हमारे बचे हुए रिजर्व है। तो लॉजिकली मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि हमारे बचे हुए रिजर्व को हम जनरली बोलेंगे पॉजिटिव रिजर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव। तो जो लाइब्रेरी होता है उसको हम मानेंगे पॉजिटिव रिजर्व, जो अभी तक हमारे पैसे पड़े हैं और यूज नहीं हुआ है। और जो असेट साइड दिए होते हैं वो रिजर्व हमने खर्च कर लिए हैं, वो हमारे पैसे जेब से पैसे जा चुके हैं। तो लॉजिकली इसको मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूंगा नेगेटिव रिजर्व। कौन सा रिजर्व? नेगेटिव रिजर्व। क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक फंडा याद कर लो, लाइब्रेरी साइड जो रिजर्व होता है वो पॉजिटिव रिजर्व होता है, जो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे मिलेगा। और नेगेटिव रिजर्व होता है जो असेट साइड होता है, वो पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है वो टाइम पे उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं सिंपल तरीका बता दूं एक एक रिजर्व, तो ध्यान रखो पॉजिटिव रिजर्व कौन कौन से होते हैं। पहला पीएनएल अकाउंट। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर पीएनएल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव रिजर्व है कौन सा नेगेटिव? अगर बच्चों पीएनएल की ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो उसका मतलब आपका बचा हुआ प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस लिखा है यानी कि आपका बचा हुआ प्रॉफिट, लेकिन ब्रैकेट में अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब लॉस है जो पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। तो पीएनएल की क्रेडिट साइड दिया है वो हमारा बचा हुआ रिजर्व, और डेबिट साइड दिया है यानी कि असेट साइड दिया है तो लॉजिकली वो हमारा कौन सा हुआ? नेगेटिव रिजर्व। फिर जनरल रिजर्व ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कैपिटल रिजर्व ऑलवेज पॉजिटिव होगा, रिजर्व फंड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड या कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड या फिर कंपेंसेशन फंड, और लास्ट में होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये जितने भी रिजर्व है वो हमारे पॉजिटिव रिजर्व है जो पार्टनर को मिलेंगे। और नेगेटिव रिजर्व में पहला मैंने पीएनएल समझा दिया, फिर है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और एक और है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये जितने भी है वो हमारे नेगेटिव है, वो पार्टनर को भरना पड़ेगा, पार्टनर को बैर करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले आपको याद करना है कौन सा पॉजिटिव रिजर्व है और कौन सा नेगेटिव। मैं बच्चों एक ही चीज आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, पीएनएल डेबिट तो लॉजिकली मेरे पास नेगेटिव रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मेरा नेगेटिव रिजर्व है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा नेगेटिव रिजर्व है, और इसके अलावा जितने भी रिजर्व है वो सब पॉजिटिव है, वो पार्टनर को मिलेंगे। तो शॉर्टकट तरीका बच्चों याद कर लो, पीएनएल डेबिट नेगेटिव, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नेगेटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेगेटिव, इसके अलावा जितने भी रिजर्व है सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, पार्टनर्स कैपिटल आप सब बनाते हैं और आप सबको आता है, आपने सब वो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सीख लिया है, पर्टिकुलर ए बी और ये क्रेडिट और ये डेबिट। मैं एक ही क्रॉस वाला रूल्स बता रहा हूँ, समझ गए आपका काम हो जाएगा। देखो बच्चों ये जितने भी पॉजिटिव रिजर्व है वो पार्टनर को मिल रहे हैं, और जितना भी पार्टनर को मिलता है वो पार्टनर की इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड आता है। तो ये जो रिजर्व है वो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड चले जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे? क्रेडिट। और ये जितने भी नेगेटिव रिजर्व पार्टनर को भरने पड़ते हैं तो लॉजिकली वो पार्टनर के लिए लॉस है और पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। वो ऑलवेज कौन सी साइड आएगा? डेबिट। तो ये क्रॉस वाला रूल्स याद कर लीजिए, ऐसे याद कीजिए पॉजिटिव रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो लॉजिकली वो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड जाएगा, पार्टनर्स को मिलेगा, और नेगेटिव रिजर्व वो असेट साइड है तो लॉजिकली वो चला जाएगा डेबिट साइड। ये शॉर्टकट तरीका याद कर सकते हो तो बच्चों आपका काम हो जाएगा। अब आपको इसमें से कौन कौन से बच्चों एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछा है जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 15,000 इज डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 15,000 इज डिस्ट्रीब्यूट इन विच साइड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कौन सा रिजर्व है? लॉजिकली बच्चों पॉजिटिव रिजर्व है, तो वो लायबिलिटी साइड आता है तो लॉजिकली पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट। क्लियर? तो आपको देखना है सिर्फ के जनरल रिजर्व वो कौन सा बोला था मैंने? पॉजिटिव रिजर्व। पॉजिटिव रिजर्व यानी कि लायबिलिटीज, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड जाएगा। वैसे ही अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इज रुपीज 10,000 इज डिस्ट्रीब्यूट इन डैश साइड इन डैश रेशियो, दो चीज पूछिए कौन सी साइड जाएगा और दूसरा पूछा है कौन से रेशियो में। मैं समझूंगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये लॉजिकली पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। तो आंसर डेबिट, और कौन से रेशियो में?
पहले मैंने बोल दिया रिजर्व ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही होता है। कौन से रेशियो में होता है? ओल्ड, कभी न्यू रेशियो में होता नहीं है। तो बच्चों ये हुआ आपका एमसीक्यू रिजर्व के रिलेटेड। इतने एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इतने आपको क्या करने बच्चों, रेडी करके रखना है। अब इसकी जनरल एंट्रीज भी करा दूं, कई बार जनरल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं। जनरल एंट्रीज बस एक क्रॉस वाला रूल्स याद रखना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए आप, सबसे पहले पॉजिटिव रिजर्व, पॉजिटिव रिजर्व है वो पार्टनर्स की कौन सी साइड जाता है चेक कीजिए। पार्टनर के क्रेडिट साइड जाता है, तो लॉजिकली बच्चों ऐसा बोल सकता हूं मैं, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल एंड क्रेडिट क्रेडिट है, और जितने भी हमारे रिजर्व है वो सभी डेबिट है। तो चेक कर सकते हो कि ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में इसको ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्या बोलेंगे हम, ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो पॉजिटिव रिजर्व पार्टनर्स की क्रेडिट साइड जाता है तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड आएगा, और जितने भी रिजर्व वो हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। वैसे ही नेगेटिव रिजर्व है तो आप देख सकते हो नेगेटिव रिजर्व मैंने कहां पे बताया, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। तो ये पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल टू जितने भी नेगेटिव रिजर्व हो, सब पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कोई अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, कोई भी नाम हो वो सभी रिजर्व है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो बच्चों शॉर्ट में याद रखना है, क्या याद रखना है, पॉजिटिव रिजर्व है वो पार्टनर्स की कौन सी साइड आता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट क्रेडिट होगा तो सामने सभी रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यानी कि ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और नेगेटिव रिजर्व है पार्टनर्स की कौन सी साइड आता है, डेबिट। तो पार्टनर्स की डेबिट साइड आता है तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल रिजर्व। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका कंसेप्ट जो मैंने रिजर्व का बता दिया। इसमें से इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो याद रखना रिजर्व ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव रिजर्व है वो पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। नेगेटिव रिजर्व कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। और लिस्ट याद रखनी है कि कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव। तो बच्चों ये हमारा रिजर्व का फर्स्ट टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे लग रहा है इसके बोर्ड में आने के चांसेस 100% है, मोस्ट आईएमपी। तो बच्चों हम नेक्स्ट हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब बच्चों मैं इसका पहले आपको एक कंसेप्ट समझा दूं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम करके टाइम पे उसको एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है कोई भी, तो कंपनी क्या करती है कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से वर्कमैन एक्सीडेंट फंड के लिए रख देती है। तो यानी कि फ्यूचर में इनके लिए कोई नुकसान हो तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वो भरपाई कर सके बच्चों। तो लॉजिकली वर्कमैन एक्सीडेंट फंड वो ही याद रखना है कि ये वर्कर के एक्सीडेंट के लिए कंपनी ने अपने प्रॉफिट से कुछ परसेंटेज रख दी है। अभी एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कंपनी ने बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है वो रखे है 50,000 रुपए का, कितने का, 50,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रख दिया है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना पड़ा है, 50,000। अलग अलग सिचुएशन हमें समझ नहीं है कि अगर नुकसान ज्यादा हो तो क्या होगा, नुकसान बराबर हो 50,000 तो क्या होगा, और नुकसान कम हो तो क्या होगा। हमें तीनों सिचुएशन पकड़ के चलना है, बहुत ईजी तरीका है बच्चों, अगर आपने यही चीज प्रैक्टिकल तरीके से समझ ली। हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना पड़ा है, 50,000 पड़ा है, कितना पड़ा है, 50। अब पहला देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 50,000, अगर हमारा नुकसान, अज्यूम करो कोई वर्कर है और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको हमने 50,000 देने पड़े, हमारे पास बच्चों पड़े कितने थे, 50,000 रिजर्व पड़ा था, और कितने का नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान हुआ, तो बच्चों एक भी अमाउंट पार्टनर के पास बचेगा नहीं, तो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, कोई रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। क्लियर? तो याद कर लो कि अगर हमारे पास 50,000 रुपीस पड़े हैं और 50,000 का नुकसान हो रहा है तो लॉजिकली 50 में से 50 गया, हमारे पास कुछ अमाउंट बचा नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला इफेक्ट मैंने समझा दिया बच्चों, कितने का नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान हुआ जो एडजस्टमेंट में दिया है, चेक कीजिए एडजस्टमेंट में कितनी अमाउंट दी है, 50,000। तो यानी कि हमारे पास 50,000 का नुकसान हुआ, ये 50,000 हमें हमारे वर्कर को देने हैं, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, लायबिलिटी।
तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे 50,000, कितने लिखेंगे 50,000। तो दो इफेक्ट, नो डिस्ट्रीब्यूशन, एक भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और दूसरा हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमें कितना लिखना है 50,000। क्लियर बच्चों? तो ये पहला सिचुएशन था। वैसा ही हम दूसरा सिचुएशन लेते बच्चों, आप चेक कीजिए दूसरे सिचुएशन में क्या है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर सिचुएशन, हमारे पास बच्चों कितने पड़े थे रिजर्व के, 50,000 पड़े थे, ये हमारी कॉमन एग्जांपल में याद रखना। अब वो बोल रहे कि 50,000 में से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 40 का हुआ। बच्चों कितना पड़ा था हमारे पास बैलेंस शीट में, 50,000 पड़ा था, और नुकसान हो रहा है 40,000 का। तो लॉजिकली 50,000 में से 40 का नुकसान हो रहा है, तो भी हमारे पास कितने पड़े, 10,000 पड़े हैं। तो बच्चों ये 10,000 पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अगर अज्यूम करो रेशियो 1:1 है, तो ए को 5,000 मिलेंगे, बी को 5,000 मिलेंगे। अगर 50 पड़े हैं और 40 का नुकसान हुआ, तो 10,000 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो पहला सिचुएशन ये है हमारा, और दूसरा बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है, जो मैंने बताया कितने का नुकसान हुआ 40, जितने का नुकसान हुआ है इतनी हमारी लायबिलिटी हुई। तो 40,000 हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो बच्चों दो इफेक्ट हुआ, एक 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा 40,000 हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन रिज्यूम करो, हमारे एग्जांपल में कॉमन में क्या था, हमारे पास कितने पड़े थे बच्चों, 50,000 रुपीज थे। कितने थे, 50,000। अब वो लोग बोल रहे कि 50 थे आपके पास, लेकिन नुकसान हुआ 60 का। 50,000 पॉकेट में थे, लेकिन 60,000 का क्या हुआ, नुकसान। और 10,000 हमें हमारी पॉकेट से लाने पड़ेंगे, 10,000 हमारी जेब से लाने पड़ेंगे, बिजनेस से लाने पड़ेंगे। तो लॉजिकली हमारी 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो बच्चों ये जो 10,000 है वो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है। कहां पे लिखना है, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड 10,000, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई। और दूसरा एक इफेक्ट तो कंफर्म ही है, जो मैंने बताया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 60,000 का नुकसान हुआ। तो 60,000 रुपीज हमें कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर बच्चों? तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की मैंने तीनों सिचुएशन आपको बता दी। क्लियर? जिसमें मैं एक शॉर्ट समरी में, अगर शॉर्ट में बताऊं तो ध्यान से सुनो, शॉर्ट समरी में हमारे पास अज्यूम करो 50,000 रिजर्व थे। पहली सिचुएशन में हमारा 50,000 का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ 50। तो बच्चों पहला नो डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और दूसरा जितना नुकसान हुआ है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम लिख देंगे 50 के। सेकंड सिचुएशन समझो 40 के, कितना था हमारे पास रिजर्व, 50,000 था, उसमें से 40 के का नुकसान हुआ। तो बच्चों 10,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बैलेंस शीट में कितने का नुकसान हुआ 40, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम लिख देंगे 40। थर्ड सिचुएशन चेक कीजिए, हमारे पास 60 का नुकसान हुआ। अगर 60 का नुकसान हुआ तो बच्चों 10,000 हमें हमारी जेब से लाने पड़ेंगे, तो एक रिवोल्यूशन में आएंगे, और दूसरा आपको पता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे 60K। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका समरी नोट, जिसमें हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और पूरा रिजर्व का क्या कर लिया बच्चों, समझ लिया। क्लियर? तो ये इसमें से 110% बोर्ड में से कोई ना कोई एमसीक्यू बच्चों आ सकता है, तो प्लीज ये अच्छी तरह रिफर कर लीजिए। इसके रिलेटेड एमसीक्यू हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां से आपको बच्चों ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच।